अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट सिविल इंजीनियर। गाइस, एक और नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। प्राइम कोट। प्राइम कोट क्या होता है, ये क्यों किया जाता है, इसका रेट ऑफ स्प्रे क्या होता है और इसकी कैलकुलेशन क्या होती है, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है, व्हाट इज़ प्राइम कोट? अ प्राइम कोट इज़ अ कोटिंग अप्लाइड डायरेक्टली टू अ prepared base course, preparing it for laying and an asphalt mixture on it। यानी कि प्राइम कोट हम करते हैं जब हमारी एग्रीगेट बेस कोर्स की लेयर फाइनल हो जाती है, उसके ऊपर जब हमें असफाल्ट करना होता है, तो उससे पहले जो है हम अपने एग्रीगेट बेस कोर्स की लेयर पर प्राइम कोट करते हैं। तो इसका इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ प्राइम कोट ये क्या है? प्राइम कोट अप्लाइंग एट मिनिमम 24 आवर्स बिफोर एसफाल्ट इज़ प्लेस्ड। यानी कि जब आपने एसफाल्ट करना होगा तो उससे 24 आवर्स पहले जो है कम से कम आपने प्राइम कोट स्प्रे करना है इसके ऊपर, ताकि ये जो है आपकी बेस के अंदर प्राइम कोट पेनिट्रेट हो जाए और फिर जो है बॉन्ड लूज मटेरियल पार्टिकल्स द बेस सरफेस। यानी कि आपकी जो एग्रीगेट बेस कोर्स की सरफेस है उस पर जो पार्टिकल लूज होंगे उसको वो उसमें बॉन्ड बनाता है, हार्डन और टफन द बेस सरफेस। बेस सरफेस की जो सरफेस है, बेस कोर्स की जो सरफेस है उसको हार्ड करता है, यानी ये सख्त करता है। उसके बाद है प्रोवाइड एडिशन बिटवीन द बेस एंड असफाल्ट मिक्स। यानी कि असफाल्ट और बेस कोर्स के दरमियान जो है एडिशन बनाता है, यानी कि एक चिपक पैदा करता है। और उसके बाद है वाटर प्रूफ ऑफ द सरफेस ऑफ द बेस। बेस कोर्स की सरफेस को जो है वाटरप्रूफ कर देता है। आगे हमारे पास है टाइप्स ऑफ प्राइम कोट। प्राइम कोट्स की टाइप्स है MC70 एंड MC250। इनके कौन कौन से टेस्ट होते हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। टेस्ट हमारे पास है, पहला वाटर परसेंट कितना होना चाहिए इसके अंदर, MC70 के अंदर और MC250 के अंदर 0.2% मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा 0.2% होना चाहिए। फ्लैश पॉइंट मिनिमम 38 डिग्री सेंटीग्रेड पर MC70 का और मिनिमम 60 डिग्री सेंटीग्रेड MC250 का। पेनिट्रेशन 5 सेकेंड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 120 to 250 तक इसका पेनिट्रेशन होना चाहिए दोनों का। फ्यूरल विस्कोसिटी यानी कि जो उसका गाढ़ापन है वो 60 to 120 सेकेंड और 125 to 250 सेकेंड MC250 का। स्प्रे रेट जिसकी मैं आपको अभी कैलकुलेशन भी बताऊंगा, ये हमारा होना चाहिए 0.65 to 1.75 लीटर पर मीटर स्क्वायर। अब हम बात कर लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ प्राइम कोट स्प्रे रेट, यानी कि इसका स्प्रे रेट कितना कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेट ऑफ एम्प्टी ट्रे, ये जो ट्रे हम जिस पे टेस्ट करेंगे उसका एक वेट ले लेंगे टेस्ट से पहले। सपोज़ 400 ग्राम आया, उसके बाद एरिया ट्रे का लेंगे 40 × 30 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करके एरिया लेंगे तो 0.12 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। वेट ऑफ ट्रे प्लस इमल्शन लेंगे, यानी कि जब इसके ऊपर से स्प्रे हो जाएगा उसके बाद हम इसका वेट लेंगे, वो हमारा डेफिनेटली इंक्रीज होगा, हमें 505 ग्राम आ गया। उसके बाद हम लेंगे वेट ऑफ इमुलेशन, ये हमारा जो है इसमें से हम ट्रे का वेट माइनस कर देंगे, यानी कि सी माइनस ए सी हमारे पास ये है, ये इसे माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो है इमुलेशन का वेट आ गया 105 ग्राम। उसके बाद वेट ऑफ इमुलेशन केजी में निकालेंगे, डिवाइड कर देंगे 1000 से तो हमारे पास आ जाएगा 0.105 केजी। अब हम स्प्रे रेट निकालेंगे केजी पर मीटर स्क्वायर में, उसके लिए हम क्या करेंगे, ई डिवाइडेड बाय बी। ई हमारे पास क्या है, वेट है इसका, डिवाइडेड बाय बी यानी कि एरिया। वेट को आप एरिया से डिवाइड कर देंगे, आपके पास आ जाएगा 0.875 केजी पर मीटर स्क्वायर। लेकिन हमें निकालना है स्प्रे रेट लीटर पर
मीटर स्क्वायर में। तो लीटर पर मीटर स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, एफ डिवाइडेड बाय 1.04। 1.04 क्या है, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इमल्शन है 1.04। तो हम सिंपल जो हमारा वेट होगा केजी पर मीटर स्क्वायर का, इसको डिवाइड कर देंगे इसकी डेंसिटी से, स्पेसिफिक ग्रेविटी से, तो हमारे पास आ जाएगा 0.841। और रिक्वायरमेंट आपको मैंने बताई थी 0.652-1.75 तक लीटर पर मीटर स्क्वायर होना चाहिए। तो इस तरीके से इसकी कैलकुलेशन होती है रेट ऑफ स्प्रे की। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।